Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be safe and sound and enjoying the blessings of Ramadan. Today, we discuss about our new topic that is binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? The system of nomenclature in which two terms are used to denote a species of living organism. The first term indicate the genus and the second term indicate the specific epithet or species. यानी कि वो सिस्टम जिसमें हम किसी भी ऑर्गनिज़म के किसी भी स्पीशीज़ के दो नाम रखते हैं टू टर्म्स जो हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं द name नेम इज़ जीनस नेम एंड second नेम इज़ स्पीशीज़ नेम इसको क्या बोलते हैं बायोनोमियल बाय बायमीन टू एंड नॉमियल मीन नेम नामन क्लेचर मीन सिस्टम यानी कि दो नाम वाले सिस्टम जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज़म का कोई साइंटिफिक नेम जब रखते हैं तो साइंटिफिक नेम जो है वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है फर्स्ट पार्ट इज़ जीनस एंड द सेकेंड इज स्पीशीज नेम यर क्वेश्चन आर इज हु इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ बायनोमियल नामन ए ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज कार इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम एकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म शुड है स्पेसिफिक नेम अब जो कार्लसिनियस ने जो बायोनोमल नोमिक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था उसने कहा था हर एक ऑर्गेनिजम के दो नाम होने चाहिए अब वो दो नाम कौन कौन से होने चाहिए द साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट अब उसने जो इंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसमें उसने आर्गेनिज्म के दो नाम रखे थे यानी कि एक नाम था उसके दो पार्ट थे एक नाम जो था उसका जीनस का नेम था और दूसरा क्या था स्पीशीज का नेम था द फर्स्ट नेम इज़ जनरिक नेम आर जीनस एंड द सेकेंड इज स्पीशीज़ नेम एंड बोथ वर्ड्स आर इटालीसाइज्ड एंड अंडरलाइन यानी कि जब हम कोई नाम लिखेंगे उसको हम क्या करेंगे जी या तो इटाली करेंगे या उसको टेढ़ा टेढ़ा करके लिखेंगे या फिर उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जीनस को हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे स्पीशीज को हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे ओके एंड द जेनरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर अब कोई भी जेनरिक नेम जो होगा उसको हम क्या करेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और जो स्पीशीज़ नेम होगा उसको क्या करेंगे स्पीशीज नेम स्टार्ट स्मॉल लेटर उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे ओके द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम अब उसने ये भी कहा था कि दो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक जैसा नाम नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड फ्रॉग ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस एंड दाइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिक राना अब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम है ह्यूमन भी ऑर्गेनिज़म फ्रॉग भी ऑर्गेनिज़म इनके नाम भी डिफरेंट डिफरेंट ओके द स्पीशीज़ नेम हैज़ टू भी डिफरेंट इन द सेम जीनस अब जब जीनस जो होता है तो सेम जीनस में स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकती हैं ठीक है थीके? और जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक जीनस के अंदर बहुत सी पाई जाती हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम फॉर ओनियन एंड गार्लिक जीनस एंड स्पीशीज ऑफ ओनीियन ओनियन जीनस इज एलियम एंड स्पीशीज ऑफ ओनियन इज़ सीपा एलियम इज़ जीनस सीपा इज स्पीशीज सो कंप्लीट नेम ऑफ ओनियन इज़ एलियम सीपा एंड द साइंटिफिक नेम फॉर द गार्लिक इज एलियम सटाइवम एलियम इज जीनस एंड द स टाइवम इज़ स्पीशीज़ आप यहाँ पे देखें एलियम सीपा जो हमने लिखा है इसको हमने एटालीसाइज करके लिखा है यानी कि इसको टेढ़ा टेढ़ा करके लिखा है ठीक है और जो जीनस है उसका कैपिटल लेटर जो ए है वो क्या है जी हमने कैपिटल स्टार्ट किया वो जो स्पीशीज़ है उसको हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया यानी कि सीपा को हमने स्माल सी से स्टार्ट किया ठीक है इस तरह जो गार्लिक है उसका भी जीनस जो है वो कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ है और स्पीशीज स्मॉल एस से स्टार्ट हुआ एलियम स्टाइवा एनदर एग्ज़ाम्पल इज़ साइंटिफिक नेम फॉर हॉर्स एंड डंकी अब ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं हार्स और डंकी जैसे कि ऑनियन और गार्लिक जो है वो डेसी से बिलोंग करते हैं एक फैमिली से एक फैमिली के अंदर जीनस एक है स्पीशीज़ क्या है डिफरेंट है इस तरह हॉर्स और डंकी जो हैं वो एक फैमिली है एक डी उससे बिलोंग करते हैं उसमें स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं जीनस जो है वो क्या हो जाता है सेम आ जाता है वट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स दैट इज़ इक्वस कबेलस एक्विश इज द जीनस एंड द कबेलस इज़ स्पीशीज़ अब जो इक्वस है वो कैपिटल ई e से स्टार्ट हुआ है और कैबेलस जो है वो स्माल सी से सॉरी है कैपिटल ई e से स्टार्ट हुआ और कैबेलस जो है वो स्मॉल सी से स्टार्ट किया ठीक है सिमिलरली दी साइंटिफिक नेम फॉर द डंकी इज एक्स एसिनस एक्वस इज जीनस एंड एसिनस इज स्पीशीज इन बोथ केस एक्वस इज जीनस अब हार्स और डंकी केस में एक्वेस क्या है वो जीनस है कैबेलस एंड एसिनस क्या है वो स्पीशीज़ हैं यानी कि एक जीनस के अंदर बहुत सी स्पीशीज़ हो सकती हैं कैबेल इज स्पीशीज़ एंड एसिनस इज़ आल्सो स्पीशीज़ ओके अब हम जब देखते हैं इसको हम जब कापी के ऊपर लिखेंगे या अपने हाथ से लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका दिस इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंगी फेरा इंडिका जब हम इसको हाथ से लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे हम अंडरलाइन करेंगे मैंगी फेरा जो है वो जीनस है इंडिका क्या है स्पीशीज है तो इसको सेपरेटली क्या करेंगे अंडरलाइन <coughs> करेंगे ठीक है सेकेंड वन इज़ कैमेलिया साइनेंसिस कैमेलिया साइनेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टी कैमिलिया इज जीनस एंड सैनेंसिस इज स्पीशीज कैमिलिया को भी हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे और साइनेंसिस को भी हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे ओके थर्ड वन इज सिम्बोपोगान सिट्रेटस दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर लेमन ग्रास सिम्बोपोगान सिट्रेटस सिम्बोपोगान इज जीनस एंड सिट्रेटस इज स्पीशीज अब ये देखें जीनस जो है उसको भी सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ और सीट्रेटस को भी सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है ओके सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग ए साइंटिफिक नेम इज़ हम क्या करेंगे उसको बोल्ड करके लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड करके लिखा है ठीक है आप देख सकते हैं कि प्यूनिका ग्रेनेटम जो है इसको हमने बोल्ड करके लिखा है जो मेथड नंबर टू है और जो मेथड नंबर थ्री है हमने इसको ज़रा इटालीसाइज करके लिखा है ज़रा टेढ़ा करके लिखा है ठीक है प्यूनिका ग्रेनेटम जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका पोमीग्रेनेट का अनार का ठीक है और जो कैनस लूपस है दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वुल्फ ओके अब पहला मेथड क्या था पहला मेथड क्या था हमने इसको लिखने का कि जब हम हाथ से लिखेंगे ठीक है तो उसको हम क्या करेंगे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीशीज़ को सेकंड मेथड क्या था हमने इसको बोल्ड करके लिखना है थर्ड मेथड क्या है हमने इसको इटालीसाइज करके लिखना है ठीक है जब हम बोल्ड करके लिखेंगे तो फिर हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे जब हम इसको इटालीसाइज करके लिखेंगे टेढ़ा करके लिखेंगे हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे जब हम नोटबुक में लिखेंगे फिर हम क्या करेंगे इसको सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखेंगे ठीक है दीज आर द्री मैथड्स ऑफ राइटिंग ए साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म नाउ वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नॉमन क्लेचर इस बाइनोमियल नोम क्लेचर की इम्पॉर्टेंस क्या है इसको क्यों जो है वो यूज करते हैं टेक्सोनिस्ट बिकॉज द साइंटिफिक नेम इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नेम अब हम कन, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ ठीक है तो जो साइंटिफिक नेम होंगे वो हर जगह पे वही वाले यूज़ होंगे ठीक है जो कि साइंस के अंदर यूज़ होते हैं टेक्सोनोमी के अंदर यूज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर पाकिस्तान में बैठे हैं हम कहते हैं ह्यूम साइंटिफिक नेम इज़ होमोसेपियंस अब हम किसी यूनिवर्स के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ, तुर्की में चले जाते हैं तो वो क्या करेंगे वो तो होम ह्यूमस बींग को या फिर इंसान को तो उनको नहीं पता क्या होता है इंसान ठीक है तो वो क्या करेंगे साइंटिफिक टर्म यूज़ करेंगे उनको पता होगा कि ह्यूमंस को जो है वो इंसान के बजाय क्या बोलते हैं होमोसेपियंस बोलते हैं हम इंसान बोलते हैं उर्दू में वो अपनी ज़बान में कुछ और बोलते होंगे जबकि साइंटिफिक नेम जो है हम भी होमोसेपियंस यूज़ करते हैं और वो भी होमोसेपियज ही यूज़ करते इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नेम ठीक है इट हेल्प्स इन ईजी स्टडी यानी कि हमारी स्टडी को ये ईजी बना देता है हम किसी भी जबान से जो है वो ताल्लक रखते हों मगर जो नामन क्लेचर होता है बाय नोवल क्लेचर होता है वो हर बुक के अंदर सेम होगा ठीक है जीनस शोज़ दिमलैरिटीज़ वाइल्ड स्पीशीज़ नेम इज़ बेस्ड ऑन डेफिनेट आर स्पेसिफिक करैक्टर्स अब जीनस जो होते हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं और जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं जैसे कि हॉर्स और डंकी को देख लें आप शक्लो सूरत में वो एक जैसे हैं मगर कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो क्या हैं वो उनके डिफरेंट हैं ठीक है तो जीनस जो है उनका क्या हो जाएगा इक्व जीनस है उनका ठीक है और जो स्पीशीज़ है वो जो डंकी है उसकी एसिनस है और जो हार्स है उसकी कैबेलस है ठीक है स्पीशीज़ नेम्स आर डिफरेंट इन ए पार्टिकुलर जीनस स्पीशीज़ नेम जो होते हैं वो हर एक जीनस के क्या होते हैं जो डिफरेंट होते हैं फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल फाइकस इज ए जीनस एंड कंटेन डिफरेंट स्पीशीज़ फाइकस जो होती है जिसको इंजीर बोलते हैं वो एक जीनस है और उसकी क्या है आगे डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फाइकस रेलीजियोसा फाइकस बेंगलेंसेज फाइकस इलास्टिका फ़ाइकस रेसीमोसा एंड फाइकस वायरिंदा ठीक है अब ये जो है साइंटिफिक नेम है किसके डिफरेंट स्पीशीज़ के फाइकस के अब इन सब में देखें फ़ाइकस जो है वो क्या है जी जीनस है और जीनस जो जी है वो सबका सेम है यानी कि एक जीनस के अंदर जो है एक पर्टिकुलर जीनस के अंदर बहुत सी डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं नंबर फर्स्ट स्पीशीज रेलिजियोसा सेकेंड इज़ बेंगलेंसेज थर्ड इज़ इलास्टिका फोर्थ इज रेसिमोसा एंड फाइव इज़ वायरिना ठीक है दीज आर द फाइव डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फाइकस और भी बहुत सारी हैं हमने जहाँ पर मैंशन की हैं वो क्या हैं फाइव मैंशन की हैं ओके इनदर एग्जाम्पल इज़ जीनस फिलिस अब फिलिस जो है ये एनिमल्स में क्या है एक जीनस है फिलिस लियो फिलिस लियो इज द साइंटिफिक नेम फॉर लॉइन एंड द सेकेंड इज फिलिस टाइगर दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर टाइगर एंड फिलिस कैटस दिस इज़ साइंटिफिक नेम फॉर कैट अब इन तीनों में देखें आप कि फिलिस जो है वो क्या है वो साइंटिफिक टर्म है किसकी इस जीनस की ठीक है ये जीनस है ठीक है और इसकी जीनस के अंदर जो है डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं वो क्या है जी लियो है टाइगरस है और कैट कैटस है ठीक है फिलिस इज द जीनस लियो टाइगरस एंड कैट्स आर द स्पीशीज ओके अदर इज जीनस इज कैनस कैनस फेमिलियरस साइंटिफिक नेम फॉर डॉग कैनस लूपस सैंटिफिक नेम फार व्फ कैनस लेट्रेंस साइंटिफिक नेम फारोटी एंड वल्पिज जरदा दिस इज़ द डिफरेंट जीनस ठीक है दिस इज़ आर सोन फेनिक फॉक्स अब यहाँ पर देखें आपको तीन सेम जीनस नज़र आते हैं ठीक है और एक जीनस क्या है वो डिफरेंट है यानी कि किसी भी फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा जीनस हो सकते हैं हमने अभी एक एक जीनस डिस्कस किया था अब यहाँ पर देखें एक ही क्लास के अंदर जो है वो क्या आ जाए दो जीनस आ चुके हैं एक कैनस है और दूसरा क्या है वुल्पिस है ठीक है अब कैनस एंड वुल्पिस आर टू डिफरेंट जीनस इन सेम क्लास फैमिलियरस लूपस एंड लेटरस आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कैनस एंड द जरदा इज़ इन अदर स्पीशीज फॉर वोलपिस ओके नावी डिसकस था एडवांटेजेज़ ऑफ बायोनोबियल नोमिन क्लेचर अब इन बायोनोबियल नोमिन क्लेचर के एडवांटेज क्या हैं साइंटिफिक नेम आ डेफिनेट एंड प्रिसाइज एंड ऑर्डरी नेम ये क्या होते हैं डेफिनेट नेम होते हैं और बाकी जो नाम होते हैं उनसे ज़रा आसान से होते हैं डिफरेंट से होते हैं ठीक है बींग जनरली इन लेटन इसका क्या मतलब होगा हम जो भी नाम रखते हैं वो लेटन लैंग्वेज के अंदर रखते हैं ठीक है दे हैव ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय पीपल्स ऑफ ऑल लैंग्वेज जो हमने पीछे डिस्कस की थी बात वो यही कहना चाहता है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नेम होते हैं बाय पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेज दुनिया के किसी कोने के अंदर चले जाएँ तो साइंटिफिक नेम सबके सेम होते हैं ठीक है लोगों की अपनी ज़बान डिफरेंट हो सकती है ठीक है मगर साइंटिफिक नेम जो एक बार रख दिया जाता है किसी आर्गनिज़म का वो दुनिया के किसी कोने में जाएँ वही होगा ठीक है दे इंडिकेट द जेनरिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स एंड प्लांट्स अब जो जेनरिक नेम होते हैं उनको ये इंडिकेट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं ओके दिस इज़ आल अबाउट योर टॉपिक दैट इज बायोनोम नाम क्लेचर नोट डाउन योर होमवर्क होमवर्क इज टेबल थ्री पॉइंट थ्री एयोलॉजिकल नेम ऑफ सम एनिमल्स आपने क्या करना है इस टेबल को अच्छी तरह से जो है वो मेमोराइज़ करना है सेकेंड इज टेबल थ्री पॉइंट थ्री बी बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ सम लोकल प्लांट्स अब उस टेबल के अंदर कुछ लोकल प्लांट के नाम लिखे हुए हैं इंग्लिश नेम हैं लोकल नेम है और उनके साइंटिफिक नेम है ठीक है इस तरह जो है वो एनिमल्स के भी इंग्लिश नेम लोकल नेम और साइंटिफिक नेम है तो ये आपका क्या आ जाएगा होमवर्क आ जाएगा ओके दिस इज़ ऑल अबाउट बाय नोम नॉमल क्रेचर थैंक यू